which is something I really hate. I look at this every time when I go to my institute, and I know that this is wrong at multiple levels. Indian Christians are not facing state-sponsored terrorism, and then about lynching Indian minorities, and India are known to terror attacks on minorities. इस वीडियो को ध्यान से देखिए। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र की इमारत के बाहर ऐसे पोस्टर जिनमें दावा किया जा रहा है कि भारत में महिलाओं और अल्पसंख्यकों के साथ घृणित और गलत व्यवहार किया जाता है। ये झूठ, ये साजिश बस इसलिए क्योंकि भारत की मजबूत विदेश नीति अब किसी को पच नहीं रही। भारत को बदनाम करने की ये नाकाम और घटिया चाल, खैर भारत ने अब इसके खिलाफ एक्शन ले लिया है। संयुक्त राष्ट्र भवन के सामने दुर्भावनापूर्ण भारत विरोधी पोस्टर लगाए जाने के मुद्दे पर भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने स्विस के राजदूत को तलब किया है और घटना पर आपत्ति दर्ज कराई है। स्विट्जरलैंड के राजदूत ने विदेश मंत्रालय को अवगत कराया कि वह भारत की चिंताओं को पूरी गंभीरता के साथ बर्न तक पहुंचाएंगे। सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्रालय में स्विस राजदूत को बुलाया और जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र भवन के सामने निराधार और दुर्भावनापूर्ण भारत विरोधी पोस्टरों का मुद्दा उठाया। इस दौरान स्विट्जरलैंड के राजदूत ने कहा कि जिनेवा में पोस्टर सभी को प्रदान की गई जगह का हिस्सा है, लेकिन किसी भी तरह से दावों का समर्थन नहीं करते हैं और न ही स्विस सरकार की स्थिति को दर्शाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटनाक्रम तब सामने आया जब एक भारतीय छात्र ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र भवन के बाहर से ये वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में भारत विरोधी पोस्टर देखे जा सकते हैं। जिनेवा में एक भारतीय छात्र द्वारा शूट किया गया ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। छात्र ने वीडियो के साथ ट्वीट किया और कहा, UNHRC मुख्यालय के पास भारत के खिलाफ बड़े स्तर का दुष्प्रचार देखा जा सकता है। इस वीडियो पर हजारों व्यूज आ चुके हैं। वीडियो को लेकर भारत में काफी नाराजगी भी है। हालांकि सरकार ऐसी घटनाओं को गंभीरता से ले रही है। भारत को कई देशों में इस तरह के अभियानों का सामना करना पड़ा है। हालिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि खालिस्तानी समर्थक ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों से भिड़ रहे हैं। मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन इस तरह के भारत विरोधी अभियान का एक और उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।